गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप साथ नोवा का 2-in-1 स्ट्रेटनर एंड कलर शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस इसे लिए हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए, यानी मैंने 2019 में ये कलर लिया था। तो इसके जो प्राइस है वो है 999 रुपीज़। तो इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ओनली 300 रुपीज़ में ये मुझे मिला था 2-in-1 स्ट्रेटनर एंड कलर। तो अगर आप मार्केट से इसे बाय करते हो तो आपको ये 999 रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय करते हो तो आपको 250 या 300 तक मिल जाएगा। गाइस आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी कि ये कैसा है एंड इसे बाय करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हो, इस तरह की ये बॉक्स में आता है। एंड मैंने इसे फ्लिपकार्ट से भी बाय किया था, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था। तो प्राइस तो मैंने आपको बता दी कि इतनी इसकी प्राइस है। एंड ये 2-in-1 है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर है इसका। और ये 2-in-1 हेयर ब्यूटी सेट है, यानी स्ट्रेट भी करता है आपके हेयर्स को एंड कर्ल भी करता है। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इधर मिल जाएंगे कि कैसे कैसे इसे ले अपने हेयर को कर्ल करना है, कैसे इनको स्ट्रेट करना है, तो मैं अपने वे में आपको समझा दूंगी। 26 mm इसके डायमीटर है, यानी इसका जो तार है वो 26 mm की है। एंड इसमें इन्होंने बताया है कि कलर किस तरह से करता है एंड कैसे कैसे आपको इसे ओपन करना है और स्विच कैसे करना है एंड कैसे कैसे ये कर्ल करता है, तो वो सब इसमें इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे पिंक, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक। तो मैंने इसमें पिंक कलर लिया है, तो अंदर से आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। गाइस 3 से 4 साल हो गए मुझे इसे रखे हुए, बट मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि पार्टीज वगैरह में जाना हो तो अभी इसे यूज़ करती हूँ। बट ये ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, बट ये नहीं हुआ है। तो इधर से आपको इस तरह से रखना है, बिल्कुल संभाल के रखना है केयरफुली, जैसे मैंने रखा है। तो इस तरह का है ये। एंड ये जो इसका पार्ट है, यहाँ से आप कर्ल कर सकते हो। एंड गाइस यस, इधर आपको लॉक मिल जाएगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लॉक मिल जाएगी, इस बटन से आपको नीचे की ओर प्रेस करना है, यहाँ से आप अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। बट मुझे इसका ना जो स्ट्रेटनर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये अच्छे से हेयर स्ट्रेट नहीं करता। बट इसका कलर बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इधर से आप इसे लॉक कर सकते हो, इस तरह से आपको इसे बटन को आगे करना है और पीछे को करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे आगे की ओर प्रेस करते हो लाइक इस तरह, तो ये बंद हो जाएगा। और इधर से आपको इस तरह से इसे ओपन करना है, तो यहाँ से आप अपने हेयर्स को कर्ल कर सकते हो। तो इसकी जो तार है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर स्विच है, तो मैं ऑन करके दिखाती हूँ। इसमें इन्होंने बोला कि पता कैसे लगेगा कि ऑन हो गया, तो यहाँ पर लाइट लाइट गाइस ऑन होगी। तो चलो देखते हैं, सी गाइस ये लाइट ऑन होगी, मैं आपको ऑफ करके भी दिखाती हूँ। ये ऑफ हो गई ना लाइट इसकी, तो ये इसकी लाइट ऑन हो गई। तो काफ़ी अच्छा है ये, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको अपने हेयर्स को कर्ल करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने हेयर अच्छे से वॉश करने हैं, उसके बाद आपको अपना फेवरेट कोई भी एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। आपको डायरेक्ट अपने हेयर्स पर ऐसे नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि हेयर इससे डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके हेयर एकदम से ड्राई हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। तो इस साइड का पोर्शन मैं आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल और एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ। अब डायरेक्ट मत यूज किया करो, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, आपके हेयर डैमेज होना स्टार्ट। को 2 से 3 मिनट के लिए एस्टीज रहने देना, उसके बाद आप अपना हेयर कर्ल कर सकते हो। तो इस तरह से जितनी भी आपको कर्ल करने हो, बस इस तरह से आपको राउंड राउंड करना है। सी गाइस ये वेव कर्ल इसने कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको इसे ऐसे पकड़ के रखना है, और इसके ऊपर आप अपना रोज वाटर से स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके पास हेयर स्प्रे है तो उससे आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर्ल कर सकते हो जिसने आप चाहिए होगा। तो आपको और दिखाती हूँ करके। वैसे आपको टाइम लगेगा, अगर मैं ना बिल्कुल डिटेल में आपसे शेयर करने लगी ना तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह से कर्ल कर सकते हो आप। सी गाइस बस आपको ना इस तरह से एक मिनट के लिए ऐसे पकड़ के रखना है, और उसके बाद अपने हेयर पे स्प्रे कर लेनी। फिर इससे क्या होता है कि ना आपके जो कर्ल हैं वो लॉन्ग स्टे करते हैं। सी गाइस टाइम लगेगा कर्ल के लिए, वो टाइम लगता है इससे। इससे क्या हर कर्ल से आपको ऐसे टाइम लगेगा, बट आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया और 1 सेकंड बाद देखने लग पड़े, तो ऐसे कर्ल नहीं होगा।
इसके बाद ना आपको कॉम नहीं करनी अपने हेयर्स पर, क्यों ऐसा होता है कि आप अगर कॉम करोगे ना तो पहले आपको कॉम कर लेनी है, उसके बाद एलोवेरा जेल वगैरह लगा के उसके बाद अपने हेयर्स ऐसे ही रहने देनी। सी गाइस, काफ़ी अच्छे से कर्ल कर दिए हैं तो मैं इतने आपको करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाती हूँ हेयर्स। कि कैसे ये कैसे आपको कंट्रोल करना है, वो धीरे 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 नीचे की तरफ प्रेस करना है। सी गाइस, इसने काफी अच्छे से कर्ल कर दिए, मतलब ठीक है यार आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छे से ये कर देता है। सी गाइस, इसने काफ़ी अच्छे से मेरे हेयर को स्ट्रेट कर दिया है बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, बट ये कर देता है। तो उसके बाद आप यहाँ से लॉक कर सकते हो, तो ये इजीली लॉक हो जाएगा। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। गाइस, आपको 250 रुपीज़ में इतना अच्छा कलर मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाता है। मैंने आपको बताया ना, उस टाइम मैं ना यूट्यूब पर नहीं थी, तो यूट्यूब पर तो अभी आई हूँ एक दो साल से, तो उस टाइम गाइस काफ़ी अच्छा था ये कलर, मतलब अभी भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का आपको बहुत सेफ्टली इसे रखना होगा, तो जितना आप इसकी केयर करोगे ना, जितने अच्छे से रखोगे तो उतना ज़्यादा इसकी इतना अच्छे से चलेगा। बट गाइस, आप देख सकते हो ये कर्ल भी काफ़ी अच्छे से कर देता है आपको जैसे कर्ल चाहिए होंगे, बट थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप पार्लर में जाके भी करवाते हो तो आपको वहाँ पर भी पैसे फूकने हैं, इससे अच्छा तो आप ऐसा कलर लेके घर पर कर सकते हो। और इसे इस तरह से करना है और अपने हेयर्स पर स्प्रे कर लेनी है, चाहे आप रोज वाटर से कर सकते हो, उसके बाद ये लॉन्ग स्टे करेंगे। बट आपको कर्ल के ऊपर कभी भी कॉम नहीं करनी, इससे क्या होता है जो कर्ल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप करोगे ना, डेफिनेटली आपको मार्केट पार्लर में जाके अपने हेयर को स्ट्रेट करना और कर्ल करने की नीड ही नहीं होगी। तो ये 2-in-1 वर्क करता है। तो गाइस, काफ़ी अच्छा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपको अगर आप बेस्ट चाहते हो कर्लर या स्ट्रेटर तो आपको 2000-3000 तक मिलते हैं, बट ये ठीक है यार, नॉर्मल सा पार्टीज़ के लिए अच्छा है, काफ़ी हैंडी भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप जरूर इसे बाय करना। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से इसे बाय कर सकते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।